अभी मैंने इसमें करा दिया कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि मेरे को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चाहिए थे। और इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन हुई है जो कि इसका टायर अपसाइज हुआ है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड यू वॉचिंग दीप्स क्रिएशन, एंड आई एम दीपांशु दीप। सो आई एम बैक विद अ न्यू अनदर वीडियो, जो कि वीडियो होने वाली मेरी टीवीएस जुपिटर के ऊपर। 2015 मॉडल था ये और अभी तक बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में थी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं इस वीडियो में अपनी स्कूटी के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ, जो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, आप उसको देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। एंड अभी तो इससे पहले जब आपने स्कूटी देखी होगी, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू लर्न ड्राइव उसके ऊपर, तो उसमें आपने स्कूटी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में देखी होगी। तो अभी मैंने इसमें करा दिया कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि मेरे को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चाहिए थी, और जो मेरे को कराने के बाद काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि यार इस मॉडिफिकेशन को कराना वर्थ रहा है मेरे लिए। तो अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, कॉमेंट एंड वीडियो को शेयर कर देना, फुल फैला देना है वीडियो को। एंड सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के साथ। सिनेमैटिक शॉट्स इस स्कूटी के ऊपर जो कि मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है। तो अब मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ कि स्कूटी में क्या क्या काम एक्चुअली हुआ है और किस किस चीज़ों के ऊपर। उसके एक पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएगी आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, लाइक जैसे कि मैंने इसमें टायर चेंज करवाया है, एंटोक का टायर स्कूटी में लगवाया मैंने अपनी, और जैसे कि टेपिंग हुई है, या फिर यहाँ पे बार एंड्स लगे हैं, ये स्टैंडर्ड वाले वेरियंट में बार एंड्स नहीं आते हैं, तो ये मैंने अलग से बाहर से लगवाए हैं। तो इसी सब चीज़ों के ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो देख एक मिल जाएगी, और आपको समझा दूंगा प्राइसिंग के साथ कि कितने मतलब वर्थ था कराना, कितने पैसे इसमें मैं स्पेंड कर चुका हूँ अभी तक। तो मैं पहले आपको डिटेल्स बता दूँ कि इसमें काम क्या क्या हुआ है। सो गाइज, अब मैं कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि स्कूटी पे एक्चुअल में क्या क्या वर्क हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको स्कूटी का कुछ कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा, ये जो होती ग्रे कलर की आती है, और मैंने इसके ऊपर कुछ मैरून एंड ब्लैक कलर से कुछ एक डिज़ाइन बनवाया है रैप का। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से स्कूटी का लुक निकल करके आ रहा है। सो अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हुए वाइट कलर के बल्ब्स इंस्टॉल, छोटे वाले LED बल्ब्स होते हैं ये। सो मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो वाइट कलर के बल्ब्स हैं, नाइट में इसका रिस्पॉन्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से लग रहे हैं। और इसमें हुई एक LED लाइट इंस्टॉल, जिस कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो अंदर LED लाइट, और इसका नाइट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये जो इसकी कंप्लीट एक वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं नाइट का रिस्पॉन्स आपको बता दूंगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखवाया है, दीप्स क्रिएशंस विद लोगो YouTube का। एंड आप इधर से देख सकते हो इसमें जो मिरर्स इंस्टॉल हुए हैं, ये एंटोक के मिरर्स हैं, और जो इसमें स्टॉक मिरर्स आते हैं जुपिटर के, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक निकल करके आ रही है इसकी। सो अगर मैं साइड से दिखाऊं स्कूटी को, तो कुछ इस तरह से लग रही है स्कूटी, आप देख सकते हो
सो अब हम आ जाते हैं इधर जीटी मिरर्स की ओर। ये जीटी मिरर्स हैं, इसके आपने जब सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे ये मिरर्स नीचे की साइड पे, तो आप सोच रहे होंगे अब ये ऊपर कैसे हो गए। तो ये ऊपर कुछ मैंने इस रीज़न से कर दिए क्योंकि जब मैं हैंडल कुछ मतलब मोड़ता था तो ये मेरे पैर में लग रहे थे। तो आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप कुछ इस तरीके की लुक बनाना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि मतलब अच्छी लगे आपकी स्कूटी तो, और आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो तो आप इस तरह से इस मिरर्स को लगा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। और मैंने इसके अंदर कराए हैं जो हमारे इंडिकेटर्स के लाइट होती है, तो इसके अंदर मैंने बल्ब्स इंस्टॉल कराए हैं जो कि एलईडी बल्ब्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो एलईडी बल्ब्स हैं। तो मैं इसको ऑन करके इसका रिस्पॉन्स भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से ये स्विच है इनका, और इसके अंदर एक वो भी लगवाया फ्लैशर, ये देखो कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स है। और मेरे जो इंडिकेटर पे टिंट कलर से स्मोक कलर की रैप हुई है, टेपिंग हुई हुई है ये, सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स है। सो अब हम आ जाते हैं कुछ बैक साइड की ओर, और बैक साइड में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है। तो बैक साइड का ये जो आता है मतलब इसको हम कहते हैं शायद से बैक सपोर्ट के लिए होता है हमारे, तो इसको मैंने करा दिया है ग्लोसी ब्लैक कलर में पेंट। सो कि इसमें आप रैप कराओगे तो रैप इसमें लगने वाली है नहीं, तो आपको पेंट कराया मेरी बात मैंने, इसमें पेंट होना चाहिए प्रॉपर पेंट से। आप देख सकते हो कितनी सही लुक आ रही है इसकी अब। और सेम पीछे भी यही बल्ब्स इंस्टॉल है एलईडी वाले वाइट बल्ब्स, अगर आप देख सकते हो तो। और अगर मैं आपको पीछे दिखा दूँ तो कुछ लुक पीछे से ऐसी आ रही है। और इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन हुई है जो कि इसका टायर अपसाइज हुआ है, इसमें आप देख सकते हो इसमें एंटोक का टायर इंस्टॉल हुआ है। आप देख सकते हो किस तरीके से इसका आ रहा है निकल करके। इसका टायर साइज़ जो है 110/90, 110/80/12 है, तो आप देख सकते हो कुछ लुक इस तरह से स्कूटी की निकल करके आई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है इसकी, अगर आप मतलब मोस्टली मेरे फ्रेंड्स और मेरे जितने भी दोस्त हैं रिलेटिव्स हैं जिन्होंने भी स्कूटी अभी तक देखी है सब यही कह रहे थे उन्हें नई स्कूटी परचेज़ कर लिए क्या, बट मैंने उनको समझाया कि नहीं यार मैंने तो वही स्कूटी है और उसी पे कुछ मतलब मॉडिफिकेशंस कराई है। सो आप देख सकते हो सारे रिस्पॉन्स आपके सामने। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड अप। सो गाइज मैंने आपको एक वॉक अराउंड दे दिया है स्कूटी के ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, और अब आपको शायद समझ में आ रही होगी कि स्कूटी की लुक्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, शायद आपने पहले की फ़ोटोज़ देखी हो। तो मैं आपको एक बारी पहले की फ़ोटो भी शो कर देता हूँ इस डिस्प्ले पे, तो आप देख सकते हो। तो फोटो अगर आपने देखी हो तो आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि मॉडिफिकेशंस के बाद की क्या क्या डिफरेंस स्कूटी में आ जाते हैं, और जो भी इन चीज़ों का रिस्पॉन्स है किस तरह से वर्क कर रही है, या फिर मतलब वर्थ था या नहीं था, मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो स्पेंड किए हैं अगर उसमें पैसे तो उसको करवाना वर्थ था या नहीं था, इन सब चीज़ों के लिए आपको वीडियो को कर देना है लाइक कॉमेंट एंड शेयर, एंड चैनल को कर लेना है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड, और रिस्पॉन्स के लिए बस ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए।